हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी बाइनोमियल थ्योरम की मिडिल टर्म कैसे फाइंड की जाती है। पहले देखते हैं मिडिल टर्म होती क्या है। जैसे जब हम ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आता है, ये फार्मूला होता है। ऐसे ही ए प्लस बी क्यू का फार्मूला ये होता है। अगर मैं आपसे इसमें पूछूँ मिडिल टर्म क्या है, तो मिडिल टर्म यानी कि बीच वाला टर्म क्या है, तो ये क्या है, बीच वाला टर्म है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे इसमें पूछूँ मिडिल टर्म क्या है, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, इसमें दो मिडिल टर्म है, एक ये और एक ये, क्योंकि ये दोनों के बीच में है बिल्कुल, तो ये क्या मिडिल टर्म है। यानी कि मिडिल टर्म एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। एन की वैल्यू क्या है, ये पावर के ऊपर। यहाँ पे जैसे पावर क्या थी, इवन थी, तो मिडिल टर्म क्या आई, एक, सिर्फ एक थी ना। यहाँ पे पावर क्या, ओड है, तो मिडिल टर्म कितनी आई, दो मिडिल टर्म आई। ठीक है दोस्तों, यानी कि मिडिल टर्म किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन के ऊपर डिपेंड करती है। आइए देखते हैं फार्मूला, देखते हैं क्या होता है इसका। मान लीजिए एक्सपेंशन आपके पास ए प्लस बी की पावर एन, इसकी आपको मिडिल टर्म निकालनी है। तो दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या है, इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन इवन है, जब एन इवन होता है तो मिडिल टर्म कितनी बनेगी, सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आएगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टी एन बाय टू प्लस वंथ टर्म, सिर्फ ये वाली टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, वो क्या है इसकी मिडिल टर्म। जब हम एग्जांपल करेंगे फिर समझेंगे क्या होगा। अगर इफ़ एन इज़ ओड, अगर एन ओड है तब मिडिल टर्म कितनी होगी, तब मिडिल टर्म दो मिडिल टर्म आएंगी। वो कौन कौन सी होगी, एक तो आएगी टी एन प्लस वन बाय टू टर्म, और एक टी एन प्लस वन बाय टू प्लस वन टर्म। तो ये क्या होंगी, दो मिडिल टर्म होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया एक्स प्लस वन बाय टू एक्स की पावर एट, और आपसे पूछ ली जाए फाइंड मिडिल टर्म। ठीक है दोस्तों, मिडिल टर्म पूछ ली जाए, तो इसकी मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं एन की वैल्यू देखूंगा, ये एन क्या है मेरा, इवन। एन क्या है मेरा, इवन। अगर एन इवन होता है तो मिडिल टर्म क्या, सिर्फ एक मिडिल टर्म आएगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, कौन सी मिडिल टर्म बनेगी, टी एन एन बाय टू प्लस वन, सिर्फ ये वाली टर्म फाइंड आउट कर लो। तो टी, ये दो चौके आठ और चार और एक पाँच, तो टी फाइव, यानी कि इसकी फिफ्थ टर्म, इस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म इसकी क्या होगी, मिडिल टर्म। तो फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, टी फोर प्लस वन। ठीक है दोस्तों, और टी फोर प्लस वन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन की वैल्यू क्या, एट एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर और बी रेज टू पावर आर। ठीक है दोस्तों, एट सी फोर को ओपन किया, एट फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स की पावर चार और वन बाय दो की पावर चार क्या होता है, सोलह, और एक्स की पावर चार, इसके साथ ये कट गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, एट फैक्टोरियल को मैं फोर फैक्टोरियल तक ओपन कर लूँगा, और फोर फैक्टोरियल एज इट इज़, और इस फोर फैक्टोरियल को वन तक ओपन कर लूँगा, और वन बाय सिक्सटीन। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये कट गया, चार दूनी आठ। ठीक है दोस्तों, और क्या कट गया, दो तीन छः और दो अट्ठे सोलह, इस तीन के साथ ये तीन कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, थर्टी फाइव बाय एट। तो इस एक्सपेंशन को ओपन करूँगा तो बीच में टर्म आएगी, तो ये वाली टर्म क्या होगी मेरी, मिडल टर्म। तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें एन की पावर क्या है, एक ओड नंबर है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास थ्री माइनस एक्स क्यूब बाय सिक्स की पावर सेवन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेवन क्या है, एक ओड नंबर है, और जब सेवन मेरे पास ओड नंबर होता है तो मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी मिडिल टर्म आएगी मेरे पास, एक और दो, दो मिडिल टर्म आएंगी। वो टर्म कौन कौन सी होंगी, आइए देखते हैं फार्मूला क्या है। पहली टर्म होगी टी एन प्लस वन बाय टू, यानी कि टी सेवन प्लस वन बाय टू, इसको सोल्व करेंगे टी एट बाय टू टी फोर्थ,
एक तो फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होएगी और सेकंड टी एन प्लस वन बाय टू प्लस वन, टी एन प्लस वन बाय टू प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे टी एट बाय टू प्लस वन, ये फोर आ गया और फोर प्लस वन फिफ्थ, यानी कि अगर जब मैं इस एक्सपेंशन को ओपन करूंगा तो इसकी फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म वो क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। जैसे इसको ओपन किया था तो इसमें दो मिडिल टर्म थी, ऐसे ही इसको ओपन करूंगा इसमें भी क्या आएंगी, दो मिडिल टर्म आएंगी। आइए निकालते हैं मिडिल टर्म को, टी फोर्थ, टी फोर को कैसे निकालेंगे, टी फोर को टी थ्री प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फार्मूले वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू क्या है, सेवन सी थ्री एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर और बी रेज टू पावर आर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, सेवन सी फोर को कैसे लिख, सेवन सी थ्री को सेवन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, और ये आ गया तीन की पावर चार, और इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, ये आ गया माइनस एक्स की पावर नाइन, ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या बन गया वन बाय सिक्स की पावर थ्री। इसको सॉल्व कर लेंगे, सेवन फैक्टोरियल को फोर फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे, फोर फैक्टोरियल एज इट इज़ और थ्री फैक्टोरियल को ऐसे, ठीक है दोस्तों, और तीन की पावर चार क्या होता है, कैसी होता है, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर नाइन, और छः की पावर तीन क्या होता है, दो सौ सोलह, ठीक है दोस्तों। इसको काटते हैं, तीन पे गया तीन सात इक्की तीन दूनी छः सताईस, फिर तीन पे गया चौबीस बहत्तर और तीन में सताईस, फिर तीन पे गया तीन तीन नौ और तीन अट्ठे चौबीस, ठीक है दोस्तों, तीन दूनी छः, ये इसके साथ कट गया चार फैक्टोरियल के साथ चार फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे क्या बचा सत्तू पंजे पैंतीस और सत्तू पंजे पैंतीस और पैंतीस ये एक सौ पाँच, और क्या बचा एक्स की पावर नाइन और यहाँ क्या बचा आठ, तो ये आ गई फोर्थ टर्म। एक मिडिल टर्म तो आ गई मेरे पास ये, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ एक सौ पाँच बटे आठ एक्स की पावर नाइन, एक तो मिडिल टर्म आ गई ये। सेकंड निकालते हैं, सेकंड मिडिल टर्म कौन सी थी, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म दो मिडिल टर्म थी फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे टी फिफ्थ निकाल लूँगा मैं, टी फिफ्थ यानी कि टी फोर प्लस वन, यानी कि फार्मूले वैल्यू पुट करूँगा सेवन सी फोर ए रेज टू पावर एन माइनस आर और बी रेज टू पावर आर, ठीक है दोस्तों। इसको आगे सॉल्व करेंगे, सेवन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल और तीन की पावर क्या बन जाएगा, तीन बन जाएगा, और ये इसको अलग अलग कर लेते हैं, माइनस तीन की पावर एक्स क्यूब की पावर चार और वन बाय सिक्स की पावर फोर, दो सौ सोलह, छः की पावर तीन दो सौ सोलह होता और मल्टीप्लाई छः, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स क्यूब की पावर चार तो प्लस का आएगा और चार तीन बारह हो जाएगा, यहाँ पे सेवन फैक्टोरियल को फोर फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं और नीचे फोर फैक्टोरियल एज इट इज़ और थ्री फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। तीन की पावर तीन क्या होता है, तीन तीन नौ होती है सताईस और ये प्लस एक्स रेज टू पावर बारह, ठीक है दोस्तों, और बटे में क्या है दो सौ सोलह मल्टीप्लाई छः की पावर चार, चार को ऐसे लिखता हूँ, इसके साथ ये कट गया, ठीक है दोस्तों, तीन दूनी छः के साथ ये कट गया, तीन में सताईस तीन सात इक्की और तीन दूनी छः तीन तीय नौ और चौबीस तीय बहत्तर तीन अट्ठे चौबीस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बचा सत्तू पंजे पैंतीस, सत्तू पंजे पैंतीस एक्स की पावर बारह बटे में आठ छिक अड़तालीस, तो ये क्या आ गई मेरे पास पैंतीस एक्स की पावर बारह बटे में अड़तालीस, तो ये दो मेरी क्या आ गई मिडल। तो ऐसे हम किसी भी बाइनोमियल थ्योरम की मिडल टर्म निकाल सकते हैं, एन जब एन इवन है तो ये वाला फार्मूला लेगा, एन ओड है तो ये वाला फार्मूला लेगा। आई होप आपको समझाओ, थैंक यू।